Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So, all of you get ready. Our today schedule Class 1st, Subject EVS, Lesson 7 Air and Water. Hello, good morning, my dear students. How are you all bitter? I hope you all are well and good. So my dear student, in previous video we have complete our chapter six, right? So it's time to our chapter Seven. Yes. So my dear student, firstly open your books fast, open. Okay. So my dear student, फर्स्टली ओपन पेज नंबर एट ट्वेंटी सेवेन ओपन पेज नंबर एट ट्वेंटी सेवेन ओके नाउ आर चैप्टर सेवन इज एयर एंड वाटर एयर एंड वाटर सो माई डियर स्टूडेंट लेट स्टार्ट एयर एंड वाटर फर्स्टली एयर एयर इज ऑल अराउंड वी कैन नॉट सी एयर एयर हमारे चारों तरफ होती है लेकिन हम एयर को नहीं देख सकते हैं बट वी कैन फील इट वैन इट मूव्स लेकिन हम उसको फील करते हैं जब वो मूव करती है मूविंग एयर इज कॉल्ड व जो मूविंग एयर होती है स्टूडेंट उससे क्या बोलते हैं वेंड विंड दैट ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड अ ब्रीज और जो हवा चलती है धीरे धीरे उसको क्या बोलते हैं ब्रीज अ वेरी स्ट्रांगली ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड अ स्ट्रांग और जो बहुत तेज हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट स्ट्रांग पेपर पीस फोल्ड करके फैन बनाइए को करिए. तो आप लोग क्या करेंगे एयर को फील करेंगे एयर ऑक्यूपाइज स्पेस अ बलून एक बलून लीजिए बिलो एयर इन टू और उसके अंदर एयर फिल करिए वॉट हैपन्स आप क्या देखते हैं इट बिकम्स बिग वो बड़ा हो जाता है डू यू नो वाई बिकम्स बिग क्या आपको पता है वो बड़ा कैसे हो गया बिकॉज द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस क्योंकि एयर को स्पेस की नीड होती है जगह की जरूरत होती है एयर हैज वेट टेक टू बलून्स फिल एयर इन वन ऑफ द बलून्स दो बलून्स लीजिए एक बलून में एयर फिल करिए हैंग बोथ द बलून्स ऑन द टू एंडस ऑफ अ स्टिक और एक स्टिक लीजिए उसके दोनों हैंड्स पे एक, एक बलून को बांध दीजिए हैंग द स्टिक फ्रॉम द सेंटर विद द थ्रेड और स्टिक को बीच में से मिड में से, से सेंटर में से थ्रेड से बांध दीजिए यू विल सी दैट द एंड ऑफ द स्टिक्स विच हैज़ बलून फिल्ड विद एयर गोज डाउन आप लोग देखेंगे कि जिस एंड पे आपने फिल्ड ब... एयर वाला बलून बांधा है वहाँ से स्टिक नीचे की तरफ डाउन हो जाएगी दिस शोज दैट एयर हैज वेट इससे हमें पता चलता है कि एयर में वेट होता है वी नीड एयर हमें नी... एयर की नीड क्यों होती है ऑल

फिश ब्रीथ थ्रो गिल्स फिश किससे सांस लेती है अपने गिल्स के थ्रू एयर इज फिल्ड इन बलून्स बॉल्स एंड टायर्स एयर किस किस में फिल्ड होती है बलून्स में बॉल्स में टायर्स में एयर हेल्प्स इन लाइटिंग अ फायर टू कीप इट बर्निंग एयर हेल्प करती है कभी भी आप आग को जलाएंगे तो उसको और तेज जलाने में आग को जलाने में किसकी हेल्प की, की नीड होती है एयर की नाउ स्टूडेंट लेट स्टार्ट वाटर वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर हम लोग कभी भी वाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी वॉटर की नीड होती है वी यूज़ वाटर इन मैनी वेज हम वाटर का यूज़ कई तरीके से करते हैं टू ड्रिंक टू कुक फूड टू बाथ टू वॉश क्लॉथ्स टू पुट आउट फायर टू क्लीन आर होम नाओ एनिमल्स नीड वाटर फॉर लिविंग बाथिंग एंड ड्रिंकिंग एनिमल्स को वाटर की नीड होती है जीने के लिए नहाने के लिए और पानी पीने के लिए प्लाट्स कैन नाट लिव विदाउट वाटर दे नीड वाटर टू प्रिपेयर देअर फूड प्लांट्स भी विदाउट वाटर नहीं रह सकते हैं क्योंकि उन्हें अपना खाना बनाने के लिए वाटर की नीड होती है नाओ सोर्सेज ऑफ वाटर वाटर के सोर्सेस क्या हैं रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ जो बारिश है सबसे मेन सोर्स माना जाता है हमारे अर्थ पर पानी के लिए रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड गेट्स कलेक्टेड इन वाटर बॉडीज रेन वाटर जब गिरता है ग्राउंड पर तो वो कई जगहों पर कलेक्ट हो जाता है लाइक पॉइंट्स स्ट्रीम्स लेक्स रिवर्स सीज एंड ओशियंस में दिज वाटर इज कॉल्ड द सरफेस वाटर इसे क्या बोला जाता है सरफेस वॉटर नाउ सम रेन वाटर सीप्स इन टू द ग्राउंड एंड गेट्स कलेक्टेड ओवर देयर कुछ वाटर क्या होता है इनमें से रिस्क रिस्क हमारे ग्राउंड के अंदर चला जाता है वो वहाँ जाके कलेक्ट हो जाता है दीज दिस इज कॉल्ड अंडर ग्राउंड वाटर उसे क्या बोला जाता है अंडर ग्राउंड वाटर वी टिक वेल्स टू टेक आउट दिस वाटर हम इसके लिए क्या करते हैं कुओं को खोदते हैं और पानी को बाहर निकालते हैं नाउ ड्रिंकिंग वाटर एट होम वी गेट वाटर थ्रू टैप्स हमारे घर में पानी कहाँ से आता है टैप्स के थ्रू टैप वाटर कैन बी क्लीन बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग टैप वाटर को कैसे क्लीन किया जाता है गर्म करके और फिल्टर करके ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन क्लोज कंटेनर्स ड्रिंकिंग वाटर जो पानी होता है पीने का उसको हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं साफ जगह पे बंद कंटेनर्स में वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन कॉजेज मैनी डिजीज और गंदा पानी पीने से हमें बहुत सारी डिसीजेज हो सकती सो माई डियर स्टूडेंट ये तो हमारा चैप्टर सेवन एक्सप्लेनेशन था चैप्टर सेवन एक्सप्लेनेशन इज कम्प्लीटेड सो इट्स टाइम टू योर हार्ड वर्क ओके माई डियर स्टूडेंट सो माई डियर स्टूडेंट लेट स्टार्ट हार्ड वर्कस ओके सो फर्स्टली ओपन योर नोटबुक्स फास्ट ओपन ओके नाउ स्टूडेंट फर्स्टली मेंशन डेट डेट नाउ नेक्स्ट लाइन में हेडिंग मेंशन करिए चैप्टर सेवन चैप्टर सेवन उसके नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट डालिए एयर एंड वाटर एयर एंड वाटर ओके नाउ नेक्स्ट लाइन में मेंशन करिए स्टूडेंट्स हार्ड वर्ड्स हार्ड वर्ड्स डन ओके स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट नंबर डालिए स्टूडेंट फर्स्ट नंबर ब्रीज ब्रीज बी आर डबल ई जेड ई बी आर डबल ई जेड ई ब्रीज डन ओके नाउ नंबर सेकेंड Now, number second, blowing, blowing. B L O W I N G. B L O W I N G. Blowing. Now, student, number third, storm, storm. S T O R M. S T O R M. Done. Okay, now, student, fourth number, thread, thread. T-H-R-E-A-D. T-H-R-E-A-D. Thread. Done. Okay, student. Now, fifth number. Stormata. Stormata. S-T-O-M-A-T-A. S-T-O-M-A-T-A. Stormata. Done. Okay, now, student. Sixth number. Stream. Stream S T R E A M S T R E A M stream done. Okay, now student seventh number breathe, breathe B R E A T H E B R E A T H E breathe done. Okay, student now last and eighth one is. तो थे हमारे हार्ड वर्क जो कंप्लीट होते हैं अब आप अपनी एक्सरसाइज एंड नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करेंगे सो माई डियर स्टूडेंट बाई टेक केयर एवरी वन माई डियर स्टूडेंट हो You enjoyed this class and now it's time for your homework. My dear students, in your homework, read the chapter properly and complete your work in book and notebook. Okay, my dear students, bye bye, take care, stay at home, stay safe, God bless you.